नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस का जो आप अकाउंट CSE से ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स आपको अप्लाई करने होंगे। तो बहुत ही इजी है, अगर आप इंडिया फर्स्ट CSE खाता ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको डिजिटल सेवा से लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा, आपको वेलकम पेज आना है, स्क्रीन पे न्यू बिजनेस पे आपको क्लिक करना है और CSE खाता प्लान को आपने ओपन करना है। आधार का नंबर इसमें एंटर करना है आपको, बहुत ही कम प्रोसीजर में आप इसको कर पाएंगे, गेट EKYC। आप इस पॉलिसी की सभी जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और जो ये OTP है ये आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। जो भी मेरे दोस्त हैं जो इस इंश्योरेंस खाते से संबंधित जुड़ी जानकारी आप लेना चाहते हैं या तो वो टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर इसके जो एडवर्टाइजिंग पंपलेट्स हैं आप उनको विजिट कर सकते हैं वेबसाइट से, और काफ़ी सारे फेसबुक पेज पर भी इसका मैटर आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप दोस्तों सिलेक्ट प्लान करेंगे, मेक स्मॉल प्लान्स, अदर प्लान्स भी इनके सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ से आपको देख रहे हैं कि 500 रुपये का जो प्लान है उसको कंटिन्यू करना है। नॉमिनी का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने पुट करना है। नॉमिनी के इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से फिल करने के बाद जैसे टोटली फिल करते हैं, अपडेट एंड कंटिन्यू पे जैसे कर्सर पे आप दिखाई दे रहा है आपको कंटिन्यू करना है। और इसके लिए आपको यहाँ से एंटर यूअर पे आउट डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है जिस खाते से संबंधित आप इसको पे आउट करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने अपने अकाउंट को ही इसमें पे आउट डिटेल्स जो मैं फिल कर रहा हूँ, और इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों सेंड OTP लाइफ एश्योर्ड, और आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रिव्यू अभी तक नहीं हो पाएगा जब तक आप OTP वैलिडेट नहीं करते, तो सबसे पहले सेंड OTP वैलिडेट करिए। इसको करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक वार्निंग जो मोबाइल के जनरेटेड है ओके करेंगे और इस पे यहाँ पे OTP आप फिल कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप OTP फिल करेंगे, आपके मोबाइल की जो OTP है उसको वैलिडेट OTP करेंगे। अगर आपके पास OTP नहीं आती है तो आप इसको रीसेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास OTP का जो मैसेज है वन टाइम पासवर्ड वो आ चुका है, वैलिडेट करते हैं। और सक्सेसफुली जैसे ही वैलिडेट हो जाता है तो हम ओपन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो भी डिटेल हमने फिल की है वो मिल सकती है, यहाँ से हम प्रोसीड टू कंटिन्यू पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट से आपको ये पेमेंट डिडक्ट होगी, और आप देख रहे हैं यहाँ से जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पे पासवर्ड 486 रुपीज़ जो 77 पैसा आपका डिडक्ट होगा यहाँ से वॉलेट से। आप पासवर्ड दीजिए डिजिटल सेवा का और इसको वैलिडेट कीजिए। तो फिलहाल ये जो यहाँ पे मैं वॉलेट पिन देता हूँ, अभी फ़िलहाल ये CSE के लिए ये अकाउंट्स ओपन होगा। ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा बचत नहीं कर सकते, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत बचत करके अपने इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। तो एक प्लान अच्छा है, लेकिन इसके लिए सभी जानकारी होना आप सभी के लिए ज़रूरी है। और CSE से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि सभी VLEs को ये थोपा नहीं जाना चाहिए कि उनकी इंश्योर्ड प्रीमियम जो इंश्योरेंस करवाना चाहिए, ये उन लोगों के लिए है जो अपना इंश्योरेंस नहीं करवा पाते। और उनको हमें एडवर्टाइज़ करना चाहिए, उनको हमको बताना चाहिए कि आप भी ऐसी तरीके की इंश्योरेंस की पॉलिसीज ले सकते हो और इसके थ्रू आप इंश्योर्ड अपने लाइफ का जो कवर है प्रीमियम उसको कवर करवा सकते हो। तो दोस्तों VLEs ज़्यादातर इस जो पॉलिसी को थोपने की बजाय समझाएं लोगों को तो ज़्यादा ये बेहतर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और बहुत ही ये छोटा सा एक प्लान है जिसको आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, और जो भी CSE से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। और एडवर्टाइज़ कीजिए, अगर आपके गांव में या आपके कस्बे में कोई करवाना चाहता है तो आप इसे करिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।